वज़ीर-ए-आला पंजाब ने पंजाब वुमेन हॉस्टल रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम करने की मंजूरी दी है। जल्द कानून साजी के लिए बिल पंजाब असेंबली में पेश किया जाएगा। तफसीलात जानेंगे हसन रजा से। जी हसन। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने पंजाब वुमेन हॉस्टल रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम करने की मंजूरी दी है। इस अथॉरिटी के तहत जो है खवातीन के तमाम प्राइवेट हॉस्टल्स को लाइसेंस जारी किया जाएगा और लाइसेंस जारी करने से जो है टैक्स की बात में बहुत ज्यादा आमदन हासिल हो सकेगी। वुमेन खवातीन हॉस्टल में सफाई नाकस होने और जायद पैसे वसूल करने पर इनके खिलाफ जुर्माने भी किए जाएंगे, इनके खिलाफ एक्शन भी होगा और बाकायदा जो है अथॉरिटी कायम करने की मंजूरी की तस्दीक जो है सेक्रेटरी खवातीन फिरम बुखारी ने की। उनका ये कहना है कि इस हवाले से तमाम जो है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से खवातीन को तहफ़ भी फ्राहम किया जाएगा, उनकी देखभाल भी की जा सकेगी और जो अथॉरिटी सुबह पंजाब के लिए आमदन का जरिया होगी और अमला जो महकमा तरक्की खवातीन के जरिए तमाम पंजाब डे केयर फंड डे केयर क्याम के लिए ग्रांट भी फ्राहम करता है और लाइसेंस याफ्ता वुमेन हॉस्टल्स को जो है वो पाबंद किया जाएगा कि वो डे केयर सेंटर की जगह फ्राहम करे और महकमा हर लाइसेंस याफ्ता हॉस्टल्स को लाजमी डे केयर ग्रांट फ्राहम करेगा और महकमा इन खवातीन के लिए जो लाइसेंस याफ्ता हॉस्टल्स इनमें कायम करदा नई डे केयर सेंटर्स में भर्ती की जाएंगी। एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो इसके तहत शुरू किया जा रहा है। इसका जल्द जो है वो कानून का जो कानूनी मुसवदा है वो जल्द पंजाब असेंबली में मंजूरी। बहुत शुक्रिया आपका हसन रजा।